राम राम। मान लो तुम्हारा कोई एग्जाम नज़दीक आ गया है और तुम्हें किसी एग्जाम की मान लो तैयारी करनी है, टाइम कम बचा है और तुम अब जगे हो, तुम्हें लगा है कि अब यार तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें अब मतलब थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आए तो क्या करें। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास 15 से 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं और तुम सोचो तैयारी कर लोगे तो तुम इतने बड़े भ्रम में हो, निकल लो यहाँ से। अगर मान लो तुम्हारे पास दो महीने का टाइम है, ठीक है, और एग्ज़ाम तुम्हारा SSC UPSC नहीं है, इसके अलावा कोई है, तो तुम 2 महीने में क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अब तुम जो प्रथा अपने यहाँ चली आ रही है उस हिसाब से अगर पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। अब प्रथा क्या चली आ रही है, सबसे पहली प्रथा ये चली आ रही है कि एक किताब लेना है उसको चाट लेना है, मतलब कि अगर तुमने लूसेंट GK पढ़ी है तो उसको 6 बार खत्म कर दोगे हो जाएगा सिलेक्शन। ये प्रथा को खत्म करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहला काम हम बताते हैं, डायरेक्ट समझाते हैं, समझ लेना, बहुत छोटे वीडियोस हैं ये और इनमें बहुत प्रॉपर तरीके से हम समझा देंगे। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं, समझना मेरी बात, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं और उनको उनमें सिलेबस में उन सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक उठाए गए हैं। सिलेबस तो तुम लोग देखते नहीं हो, कोई नहीं देखता सिलेबस, जितने भी थोड़े से लो लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सिलेबस कभी नहीं देखते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि गणित में ये सवाल पूछते हैं चलो ये तैयार कर लेंगे, नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक लिखे हैं ध्यान से समझ लेना वरना फिर हो जाएगा गोबर। जितने एक पेज में सीट में जितने भी टॉपिक लिखे हैं उनको प्रॉपर लिखो जो सिलेबस में लिखे हैं, ठीक है। अब उन टॉपिक के भी सब टॉपिक होते हैं, मतलब कि अगर मान लो एक बड़ा टॉपिक है उसके भी कुछ कुछ टॉपिक होंगे जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए तुम्हें 1 दिन 6-8 घंटे देने पड़ेंगे। और अगर कम टाइम में एग्जाम क्रैक करना है तो इतनी मेहनत कर लो वरना फिर घमाओ बैठ के, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो सिलेबस है उसमें जो जो टॉपिक लिखे हैं उसको पन्ने के एक तरफ नोट करो, कर लिया नोट। अब तुम्हें क्या करना है, सिलेबस को हटाओ साइड में, अब तुम प्रीवियस ईयर पेपर निकालो। प्रीवियस ईयर पेपर में ये चेक करो कि जो टॉपिक तुमने सारे लिखे हैं इन टॉपिक्स के बीच में जो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, तुम डायरेक्ट लिख लो टॉपिक, मान लो मुगल साम्राज्य तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें एक किसी टॉपिक के मतलब कोई भी टॉपिक जैसे आ रहा है, ठीक है, और तुम प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो कि ये टॉपिक बार बार हर पेपर पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को उसके बराबर लिख लो कि मतलब ये हमारा बड़ा टॉपिक था, इसके सब टॉपिक हमें ये तैयार करने हैं। तो मतलब कि अगर तुमने एक टॉपिक कोई बड़ा लिखा है सिलेबस से चार्ट के तो उसके 3-4 सब टॉपिक निकल आएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से तुम्हारे पास एक लाइन से तैयार हो जाएगी सीरीज कम से कम 30 से 35 टॉपिक के हर सब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब पता है क्या, वो सिर्फ 30 से 35 टॉपिक नहीं है, जो तुम्हारी किताब के 100-200 टॉपिक थे उनमें से छांट के तुमने 30 से 35 टॉपिक लिख लिए। अब तुम क्या करो, 2 महीने में सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे झिले रहो, पूरी तरीके से झिले रहो, कोई किसी भी तरीके की दूसरी चीज़ें मत पढ़ो। कोई तुमसे कह दे कि इस किताब से इस बार आ सकता है, आने तो तुम पढ़ो जाके, हमें नहीं पढ़ना है। तुम सिर्फ ये 35 टॉपिक जो है इन पे स्टेबल रहो, ये जो तुम्हारे पास ये जो 35 टॉपिक है तुम्हें सिर्फ इस पे ही अड़े रहना है, तुम्हें दूसरी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। और अगर तुम किसी दूसरी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तब तो तुम्हारा सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं होगा, ब्रह्मा भी उतर जाएंगे तब भी नहीं करा पाएंगे। तुम्हें ये जो तुमने इतनी मेहनत से टॉपिक लिखे हैं 35, डेली की बेसिस पे 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक निपटाते चलो और इनका 2-3 बार रिवीजन कर लो। इतने में ही सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। सीधी बात हम बता रहे हैं, कोई चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो बस तुम्हें ये करना है, टॉपिक के सब टॉपिक छांट के हो जाओ शुरू। राम राम, जय हिंद।